कबीरधाम जिला में 108 उपार्जन केंद्र है जहां धान खरीदी करे जाते, लेकिन धान खरीदी केंद्र मन में बारदाना के किल्लत के संग किसान मन ला टोकन सही समय में नहीं मिल पाते, जोनला लेके कांग्रेस पार्टी हाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार ऊपर निशाना साधे है। कांग्रेस के पूर्व विधायक ममता चंद्राकर के आरोप है कि भाजपा के सरकार धान खरीदी 14 नवम्बर ले 31 जनवरी तक धान खरीदी करे जा, महज 47 दिन में ही 160 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे के लक्ष्य है, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य कहाँ पूरा हो। समस्या छत्तीसगढ़ में आज समस्या का अंबार है। आज पत्रकार वार्ता एक दिवसीय जिला कांग्रेस कमेटी के निर्देश में प्रदेश के निर्देशानुसार पत्रकार वार्ता का आयोजन है। इसमें एक ही बात की चर्चा है, किसानों की बात की चर्चा। इस पत्रकार वार्ता में किसानों की समस्या, किसानों की बात, और चूंकि जायज है क्योंकि हमारी जब भूपेश बघेल की सरकार 5 साल की जब सरकार थी तो उसमें पूरे किसानों को ही ध्यान में रखा गया और किसान की आर्थिक व्यवस्था, किसानों की सुचारू रूप से धान खरीदी की व्यवस्था, ये बराबर 5 साल तक चलते रहा। लेकिन ये 10 महीने की सरकार ने आज पूरी किसानों की व्यवस्था को उथल पुथल करके रख दिया है। जिस हिसाब से उन्होंने घोषणा पत्र लाया, कहा कि 3100 में धान खरीदेंगे, धान खरीदने के बाद 72 घंटे में आपका पैसा तुरंत मिलेगा, लेकिन ये सब बेकार की बातें थी। भाजपा की सरकार जो कहती है उसे करती नहीं।